नमस्कार दोस्तों, आज हम ये वीडियो में बात करने वाले हैं हिकविजन के DVR में से CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग पेनड्राइव में कैसे बैकअप लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो ये लॉगिन करना है यहाँ पे DVR में। लॉगिन करने बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है प्लेबैक, प्लेबैक पे क्लिक करना है। उसके बाद जो कैमरा आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, जिस बैकअप चाहिए जिसका, वो टिक करना है। जैसे ये मेरे चार चैनल का DVR है, तो मैंने ये चारों कैमरा मैंने टिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेट्स सेलेक्ट करना है। लेफ्ट साइड में जो कैलेंडर दिख रहा है आपको, उसमें आपका डेट सेलेक्ट करना है जिस डेट का आपको प्लेबैक चाहिए। मैं ये 25 यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये 25 की रिकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे दिखा रही है कितनी रिकॉर्डिंग हुई है, ठीक है। इसका मुझे अभी बैकअप लेना है, तो इसके यहाँ पे मुझे ये क्लिप है, क्लिप का ऑप्शन है यहाँ पे, ये देखिए नीचे, ये क्लिप पे क्लिक करूँगा जैसे ही। तो यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि ये ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट ये दोनों यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये टाइम मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी आप जैसे कि देखोगे तो यहाँ पे चैनल नंबर 4 है, ये मेरा चैनल नंबर 4 टिक किया हुआ, तो यहाँ पे इसका टिक आ चुका है। मुझे अभी चैनल नंबर 3 और 2nd 1st चारों की रिकॉर्डिंग चाहिए। यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट कर दूँगा, तो चारों मेरे यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। और ठीक यहाँ पे नीचे इसके ऑप्शन है क्लिप का, एक्सपोर्ट क्लिप, एक्सपोर्ट क्लिप पे क्लिक करूँगा जैसे, तो एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे वीडियो एंड लॉक का, और यहाँ पे ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे ये USB स्लॉट में जो मैंने पेनड्राइव लगाई हुई थी उसकी यहाँ पे डील आ चुकी है। एक बार रिफ्रेश करता हूँ उसको, ये देखिए मेरी पेनड्राइव ये खाली है अभी, तो इसमें मैं नया एक फोल्डर बना देता हूँ CCTV कैमरा के नाम से, CCTV कैमरा, ठीक है। इसको मैंने ओके कर दिया यहाँ पे, ओके। तो ये फोल्डर मेरा बन गया है, तो ये फोल्डर के अंदर जो भी रिकॉर्डिंग मैं बैकअप ले रहा हूँ वो ये फोल्डर के अंदर आ जाएगा। उसके पहले अपने यहाँ पे MP4 सेलेक्ट करूँगा, जो मुझे MP4 सेलेक्ट फॉर्मेट में मुझे इसका बैकअप चाहिए वीडियो का, यहाँ पे उसके बाद ओके कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है बैकअप का, ऊपर बैकअप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे दिखाई देगा मुझे कितना परसेंटेज बैकअप हो चुका है वीडियोस का। थोड़ा वेट करते हैं इस पर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है A1 A2 A3 A4, यानी कि ये कैमरा नंबर 1 है A1, A2 कैमरा नंबर 2, A3 कैमरा नंबर 4 और A4 यानी कैमरा नंबर 4, उसकी डेट और ये टाइमिंग। ये फर्स्ट कैमरा नंबर फर्स्ट का जो है ये 100% बैकअप हो चुका है, सेकंड का 70% 74 ये बैकअप हो रहा है। यहाँ पे रिमेनिंग टाइम भी दिखा रहे कितना सेकंड आपका वो बैकअप लेने में लगाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बैकअप हो रहा है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब तक आप यहाँ पे टिक नहीं करोगे तो आपका वो चैनल बैकअप नहीं लेगा आपको। सपोज़ चार चैनल का ही DVR, आपका चारों कैमरे का ही बैकअप लेना है, तो उसको यहाँ पे टिक करना ही है। अगर टिक नहीं करेंगे तो जो पर्टिकुलर टिक किया हुआ रहेगा सिर्फ उसका ही बैकअप लेगा वो। तो ये हम लोग का चारों के चारों कैमरे का बैकअप इसमें आ चुका है पेनड्राइव में। देखिए सेटिंग पे क्लिक करूँगा एक बार क्रॉस चेक करने के लिए, और जो मैंने फोल्डर बनाया था ये फोल्डर अभी मैं ओपन करूँगा। देखिए जो भी वीडियोस था यहाँ पे वो आ चुका है वीडियो, ठीक है। इस तरह से ये बैकअप लिया जाता है हिकविजन के DVR में से पेनड्राइव में। और आपको अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। Thank you for watching video. Have a nice day.